हरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगरपालिका के जहांगीराबाद वार्ड में बनी काशीराम कॉलोनी में चोरी से बिजली की काटिया डालने को लेकर कहासुनी हो गई, जिसमें वहां पर मौजूद महिलाओं ने अकेली लड़की व उसकी मां शशि देवी को बुरी तरीके से पीट दिया, जिसकी सूचना पीड़ित ने हरगांव थाने में तहरीर दी। वहीं विपक्षी अपने आप को फंसता देख नल पर पानी भरने को लेकर गाली गलौज मारपीट विवाद बताकर शिकायत पत्र थाने पर दिया। वहीं हरगांव पुलिस द्वारा की गई जांच में जो बातें सामने आई वह सिर्फ बिजली की कटिया चोरी से डालने को लेकर विवाद बताया जा रहा है। वहीं पर मौजूद लोगों का कहना है कि कॉलोनी में गलत तरीके से अवैध धंधा होता है, जिसका लोग विरोध करते हैं, तो वहां पर रहने वाले लोगों को फर्जी तरीके से SC ST एक्ट में फंसाने की धमकी दी जाती है। घटना यहाँ पे हुई है, इसमें क्या बात हुई, कैसे क्या हुआ? इसमें ऐसा है कि लाइट मतलब कटिया के बारे में बवा रहा है, हम घर पर ना रहे, लड़की हमारी घर पे थी जी। और ये गाली देने लगी, जब वहाँ से आए हम तो ये हमसे बताने लगे कि मम्मी हमको गाली देती हैं, तो हम इनसे बूझा उसने कि हमें लड़की कहाँ काहे गाली दे रही है, तो कहीं की गाली दी बा, और तो इनकी बहन 9 नंबर से ने भागत आ गई कामनी, और शिल्पी यहाँ मौजूद रहा और दोनों लोग चिपट के रहे, हमका मारे लगी। अच्छा। और फिर ये संगीता आई और मीना देवी आई, पारुल आए, दिनेश आए, ये सब लोग मिल के पीटे। बाकी यहाँ जो आपके विपक्षी लोगों का कहना है कि ये कुछ पानी को लेकर के नल पर कुछ कहा सुनी हुई, पानी के बारे में तुमको विवाद नहीं हुआ, पानी के जैसा बात ही नहीं रहा, कटिया लाइट के बारे में हुई है लड़ाई, लाइट के बारे में। तो कनेक्शन इनका है कि नहीं है, कैसे है? फर्जी लाइट जल रही, सबके कटिया पड़ी है, सबकी कटिया पड़ी है फर्जी। अच्छा, आपके साथ जो मारपीट हुई है उसकी आपने तहरीर थाने में दी थी कि नहीं? एप्लीकेशन ले रहा हूं, बाकी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। विपक्षी तो आरोप आपके ऊपर लगा रहा है, क्या कहना है इसके बारे में? जो आरोप लोग लगा रहे हैं कि आपने गाली गलौज की है और कई लोगों ने उनको मिलकर मारा है। हाँ, ना ना गलत लगा रहे हैं, लड़का। अच्छा। कोई घर पर ना रहा है। अच्छा। और खाली ये दोनों लोग आई थी कि अपनी मम्मी बुलाए लाई, मीना देवी आई, संगीता आई, और मतलब ये पारुल आए, दिनेश आए, ये सब लोग मिल के मारे। जब कल ये घटना मारपीट की हुई कल या परसों में, तो यहाँ पे और कुछ लोग मौजूद थे? हाँ, बहुत लोग, सारे लोग रहे। कल जो इनके साथ मारपीट की घटना हुई है उसमें आप लोग यहाँ मौजूद थे, क्या सत्य है इसमें बात? हमें इतना मालूम है कि लाइट की मारे लड़ाई हुई थी, लाइट की वजह से। लेकिन वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुछ पानी के लेकर के, कुछ पानी की वजह से नहीं, हमने कल भी बयान यही दिया था। अच्छा अच्छा, कि पानी की वजह से नहीं, लाइट की वजह से हुई थी। कल ये जो मारपीट हुई है इसकी तहरीर विपक्षी ने आपके यहाँ थाने में दी है, उसमें क्या घटना जो हुई है इसमें आपका भी नाम आ रहा है? सर, ऐसा है, उसमें जो है ये लड़ाई नल की नहीं है। अच्छा। ये पानी की नहीं, ये मतलब कटिया बिजली की हुई थी। अच्छा। तो लोग कटिया कनेक्शन जो डाल रखे हैं क्या चोरी से चला रहे हैं? अवैध चल रहे हैं, कोई कनेक्शन है ही नहीं। अच्छा। इसलिए जो उन्होंने जो है अपनी तरफ से बोले और उसके जो है लड़ाई किया, मारपीट किया, हम लोगों को मारा, ये जो है हरिजन की अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। अच्छा। कि यहाँ पे जो है हम अपना। अच्छा, जब मौके पे जब मारपीट हो रही थी आप कहाँ थे? हम थे नहीं, बाद में आए थे, बाद में आए थे। लेकिन वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने मिलकर लोगों को मारा। हाँ, उन्होंने जो है हमको जो है मारा है। अच्छा। लेकिन उन्होंने खुद आके मारा। अच्छा। तो आपने तहरीर थाने में दिया था कि नहीं दिया था? तहरीर थाने में दी। हाँ, दे दिया थाने में। क्या हुआ उसमें? और बाकी जो है ये सब गलत आरोप लगा रहे हैं। अच्छा। ये चरित्रहीन है। हाँ। ये जो है वैश्या का वो इसी टाइप की है, ये धंधा कराती हैं, ये गौशाले में जाती हैं। अच्छा। रात रात रुकती हैं। अच्छा। हाँ, इनको हम पकड़ाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे कुछ गलत काम, यहाँ गलत काम होते हैं अवैध। अब मैं पकड़ाऊंगा। इसका आपने विरोध किया तो आप लोगों के ऊपर ग्रुप है, आप लोगों ने इसकी सूचना कभी थाने में दी कि नहीं दी? एक बार दिया था। अच्छा। अब देंगे, फिर देंगे दोबारा सूचना साहब को देंगे। हाँ। क्या नाम है आपका? अंबिका प्रसाद। अंबिका प्रसाद, नाम है आपका? मेरा नाम बंसल है। कल ये जो घटना हुई है मारपीट की यहाँ पे औरतों के साथ, उसमें आप क्या बताना चाह रहे हैं? सर, लड़ाई यही थी, मतलब ये लड़की यहाँ पे अकेले थी, तो यहाँ पे